अभी मैं हूँ भारतीय सब लोग पार्टी कार्यालय पटना में। बिहार में कई तरह की राजनीति तो देखे गए ही हैं, और जो हमारे यहाँ के जो पुराने साहित्यकार हैं या बिहार की मिट्टी से जुड़े वैसे धरोहर जो कि देश ही नहीं पूरे विश्व में बिहार का नाम रोशन किया है, समय के साथ साथ कभी ना कभी उनको लोग भूल भी जाते हैं। लेकिन एक मुहिम है, अभी आप देख रहे हैं कि सामने ये वो मिट्टी है जो कि बिहार के जो धरोहर हैं हमारे साहित्यकार या कवि या लेखक हैं उनकी मिट्टी है, और यह जो मिट्टी उनके जन्म स्थान से लाई गई है। और इन मिट्टी को, इस मिट्टी को आप देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो कि बिहार के एक उभरते हुए कलाकार थे और उनकी मौत हो जाती है, ऐसे में वह अमर हो जाएं, उनकी मौत जाया ना जाए, भारतीय सब लोग पार्टी एक पहल शुरू की है। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे फिल्म सिटी बनाया जा रहा है। हम दिखाएंगे सबसे पहले कि यहाँ पे आप देख रहे हैं वशिष्ठ नारायण सिंह जी का ये जो है मिट्टी है जो उनके घर से लाया गया भोजपुर से, शहीद हमारे जो कवि हैं कैलाशपति जी का है। आगे आप दिखाएंगे वहाँ उस्ताद बिस्मिल्ला खां जी जो कि विश्व में जाने जाते थे, उनकी मिट्टी है। अब हम बात करेंगे भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरुण कुमार। सर, आपकी यह जो मुहिम है अपने आप में काफ़ी सराहनीय है, और यह मुहिम जो है वैसे लोग जो बिहार की धरती से उभरे हैं लेकिन मरने के बाद उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं से कभी ना कभी ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन आपका यह पहल है अपने आप में काफ़ी सराहनीय है कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर जो फिल्म सिटी बन रही है उनकी मिट्टी में, नींव में यह मिट्टी डाली जाएगी। कई तरह की बातें हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं कि आपका यह मुहिम जो है कैसा है और कब यह यात्रा आपकी शुरू होगी? देखिए, बिहार बौद्धिकता की सबसे बड़ी पूंजी को लेकर के पूरे विश्व मानवता को दिशा देता रहा है। गांधी चंपारण आए, यहाँ बुद्ध आए, महावीर, तो कुछ मिट्टी में ताकत थी। हजारों वर्ष तक हमारे पुरखों ने इस मिट्टी को उत्तंगता प्रदान किया है, शासक से भी, संस्कृति में भी, लेखन में भी, संस्कार में भी, कला में भी। तो ये जितनी शक्तियाँ थीं, इन शक्तियों ने जो उत्तंगता बिहार को दिया था, वो उत्तंगता पराभव का शिकार हो रहा है, आज अवमूल्यन का शिकार हो रहा है। इसलिए नई पीढ़ी को एक नए ऊर्जा के साथ बिहार का निर्माण, विश्व मानवता और भारतीय संस्कृति का निर्माण है। इसलिए कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को कहा था, तुम सनातन परंपरा के संवाहक हो, यहाँ न जाति है, न धर्म है, न संप्रदाय है, न्याय के लिए तुम्हें लड़ना है, यही धर्म युद्ध है। तो जो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना करने वाली मिट्टी और उसमें कौरवों के साथ रहने वाला इसी मिट्टी के साथ कर्ण, जिसके साथ सब कुछ था लेकिन धर्म युद्ध में वह कौरव के साथ था, लेकिन उसकी विशिष्टता को कभी कृष्ण ने कम करके नहीं आका, बराबर एहसास अर्जुन जो उसके नायक थे उनको भी कराते रहे कि उस मिट्टी से जो कर्ण आया है वह विपरीत परिस्थितियों में पला है, लेकिन यदि ये सारी धाराएं सृजन के उत्तंगता की ओर मोड़ दिया जाए तो फिर विश्व मानवता का सबसे बड़ा धरोहर हो सकता है। आज हम पराभव के शिकार हैं, इसीलिए हम लोगों ने शहीद कवि कैलाश सिंह, तो आरसी प्रसाद, राजा राधिका रमन सिंह, कामता प्रसाद सिंह काम, रामधारी सिंह दिनकर, कालिदास, मंडन मिश्र, विद्यापति, हंस कुमार तिवारी, मोहनलाल महतूब योगी, बिस्मिल्ला खां, भिखारी ठाकुर, तमाम ऐसी हस्तियों के
फणीश्वर नाथ रेणु जिनका मैलांचल था, तो चाहे वह कोसी का आंचल हो या गंगा का अविरल स्रोत हो या फल्गु जैसा अंतर शलिला नदी हो, जो इन धाराओं से जो प्रस्फुटित शक्तियां हैं उसको हम लोगों ने इकट्ठा करके एक जो नवोदित कला के क्षेत्र में सुशांत सिंह राजपूत का जो अकाल मृत्यु हुई है, जिसकी हत्या हुई है, एक साजिश है, तो आज युवा वर्ग को यह आत्मविश्वास पैदा करने के लिए कि हमारी व्यवस्था अच्छी नहीं है, जिसके चलते बाहर ये काल कबलित हो जाते हैं, इन युवाओं को हम यहाँ निर्माण का एक दिशा दे रहे हैं। कला के क्षेत्र में फिल्म सिटी बना देने से संपूर्ण नहीं हो जाएगा, लेकिन एक क्षेत्र में एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर इसका निर्माण करेंगे। पूरे बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, आसाम से लेकर के मणिपुर, तमाम हिस्सों के लिए हम नेपाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐसा सेंटर डेवलप करना चाहते हैं, और उसमें बिहार के इन विभूतियों का जो ऊर्जा है उसे याद कर हमारी युवा पीढ़ी सृजन का काम शुरू करेगी, तो फिर हमको बेरोजगारों की फौज इसी तरह का अन्य भी उदाहरण पेश किया जाएगा, जहां संकल्प हम लेंगे, आत्मनिर्भरता का नारा सिर्फ नहीं दिया जाएगा, आत्मनिर्भर बनने का रास्ता प्रशस्त किया जाएगा। आज जो बिहार 15 बनाम 15 पर सिमट गया है, इसमें पिछले 15 में फैक्ट्रियां बंद हुई थी, ये सुशासन के 15 में फैक्ट्रियां बेची जा रही हैं, तो अब अंतिम लौ बुझ रहा है। इसमें हमें शक्ति की जरूरत है, आत्मविश्वास पैदा करने की जरूरत है। आज विश्वास का संकट है, खासकर राजनीति में राजनीतिक भ्रष्टाचार चरम पर है सर, सब कुछ बेचा जा रहा है। सर एक बात, यहाँ पे जितने भी मिट्टी जिनके घरों से आया है, लगभग वह कवि हैं, ये लेखक हैं, और वैसे लोग हैं जिनके घरेलू वातावरण में शिक्षा उभरता हुआ दिखता है, लेकिन जिस जगह की मिट्टी है, बिहार की मिट्टी है, ये बिहार के वैसे विद्वान लोग हैं, लेकिन बिहार में ही शिक्षा की स्थिति अभी बद से बदतर हो गई है। सरकारी स्कूल से ही लगभग पढ़े हुए ये लोग हैं, चाहे वह प्रेमचंद हो, क्योंकि धरती से जुड़े उनकी लेखनी होती थी, और वो उनकी जो 6th या 7th 8th क्लास में हम लोगों ने भी पढ़ा था, चाहे वह नमक का दरोगा हो या किसी तरह की जो कहानियां होती थी, एक साधारण परिवार की होती थी। आज के स्थिति जो शिक्षा की है, साधारण घर के लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल की स्थिति बद से बदतर हो गई है, गरीब लोग पढ़ते हैं, गरीब लोगों को ऑनलाइन पढ़ने के लिए बोल दिया गया है, ऑनलाइन उनको पता नहीं है क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, मोबाइल से कैसे पढ़े जाते हैं। दूसरी चीज, स्वास्थ्य की भी व्यवस्था कही जाए तो यहां पर वशिष्ठ नारायण जी, जो कि अपने जीते जी तो काफ़ी वर्ल्ड में बिहार के साथ साथ हिंदुस्तान का भी नाम रोशन किया है, लेकिन उनके मरने के बाद अस्पताल परिसर में लगभग घंटों उनके पार्थिव शरीर को रख दिया गया, एम्बुलेंस भी नहीं आया था, काफ़ी राजनीति हुई। खैर, जो स्थिति है, या बिस्मिल्लाह खां के बारे में ही कहें कि मरणोपरांत उनके जो पोते हैं उनके घर को तोड़वा करके मॉल बनवाए जा रहे हैं, उनसे पूछने पर वह कहते हैं कि हमारा जीवन कहाँ से चलेगा, हमारे पास कोई रोजगार नहीं। इसको बचाने के लिए जो उनकी पीढ़ी है वही सामने नहीं आ रही, और वर्तमान सरकार तो कहीं ना कहीं से देखा जाए कि बिल्कुल फेल है। देखिए, संस्कार संस्कृति से होती है, और संस्कृति का नायक शिक्षक होता है। शिक्षकों को मारा गया है, शिक्षक को विलेन बनाया गया है, इसलिए संपूर्ण परिवर्तन के लिए ही ये आंदोलन है, संपूर्ण परिवर्तन के लिए ही यात्रा है। सब कुछ नष्ट हो गया है, इसीलिए यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास आज कहाँ आकर के ठहर गया है कि आप कह रहे हैं सर्वनाश हो गया। तो इसी को खड़ा करने के लिए हम शिक्षकों को इतना सम्मान देना चाहते हैं कि उनके अंदर का शिक्षकत्व जागृत हो जाए,
और जिस दिन शिक्षक जागृत हो जाएगा चाणक्य, तो चंद्रगुप्त पैदा होगा। चंद्रगुप्त पैदा होगा तो श्रृंखला बननी शुरू हो जाएगी। हम निराश नहीं हैं, हम उसी विश्वास को जिंदा करना चाहते हैं। आज राजनीतिक भ्रष्टाचार चरम पर है, इसलिए पहली लड़ाई हमारी राजनीतिक भ्रष्टाचार से है। राजनीतिक भ्रष्टाचार से हम जितनी मजबूती से लड़ेंगे उतना ही समस्याओं का निदान सरल दिखता जाएगा। इसलिए हमने कोई सरकारी सहयोग का इसमें नहीं किया है। हमने जो फिल्म सिटी का निर्माण, हम जनता के हवाले करना चाहते हैं, हम सुशांत सिंह के नाम के हवाले करना चाहते हैं। इसमें कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होगा, समाज महत्वपूर्ण होगा। और समाज जब इस काम को करेगा तो उसको पता चलेगा कि बिहार जो अजीमाबाद था, जो मुगलों तक अंग्रेजों तक यूरोप में यहाँ के सामान जाते थे बिकने के लिए, और इसको कैसे नष्ट किया गया। लेकिन आज़ादी मिली तो फिर सस्टेन करने लगा। यहाँ 50 चीनी मिल थे, सभी बंद हैं, कुछ बिक रहे हैं। अब बिकने वाले चीज़ें आ गई हैं। डेहरी रोहतास इंडस्ट्री था, जाल था, यहाँ कागज़ उद्योग था, सब कुछ सुई से लेकर के कागज़ तक सब कुछ समाप्त हो गया है। तो ऐसी स्थिति में हम कह रहे हैं कि पराभव की पराकाष्ठा है। हम ये मॉडल तैयार करके खड़ा करके ये बतलाना चाहते हैं कि सब कुछ निर्मित हो सकता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार से लड़ने का आत्मबल पैदा करो और एक नया बिहार बनाओ। इससे नए हिंदुस्तान की परिकल्पना संभव है, जो विश्व मानवता को पुनः संदेश का केंद्र बोधगया बनेगा, महावीर की भूमि बनेगी, चंपारण की वह धरती जहाँ से आगाज किया था निर्लोभों के खिलाफ महात्मा गांधी ने। यहाँ महात्मा गांधी के विचारों का खून किया जा रहा है। गांधी मैदान में मूर्ति था, सुशासन बाबू ने एक और बड़ा मूर्ति बना करके अपना चेहरा चमका रहे हैं। गांधी का मौलिक जीवन मितव्ययिता पर आधारित था। इनका संपूर्ण खजाने को लुटा करके सृजन घोटाला कर दो उस पर है, गांधी का नाम लेते हैं। तो आज लोग अपने पुरखों का नाम समाज के निर्माण के लिए, संस्थाओं के निर्माण के लिए करें तो अच्छी बात है। उससे ओजस्विता उनके अंदर आए, ऊर्जा आए, चिंतन आए, उनके अंदर विधर्मिता जो है नष्ट हो, इसके लिए पूर्वज हैं। इसके लिए नहीं है कि उनका नाम लेके हम लोगों के आंख में धूल जोड़ें और सारा कुकर्म करें। तो आप देख रहे हैं कि साफ तौर पे भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी ने कहा है कि सुशांत सिंह के नाम पर जो फिल्म सिटी बनने वाला है उनमें इन धरोहरों की मिट्टी तो लगेगी ही, और ख़ास करके जो बिहार से कलाकार बंबई जाते थे और वहाँ अपमान का सामना करना पड़ता था, अब वैसे कलाकारों को भी यहाँ मौका मिलेगा। और कहीं ना कहीं से इन जो साहित्यकारों का, लेखकों का जो धीरे धीरे इतिहास कहीं ना कहीं से लोगों के जहन में कम होता जाता है, फिल्म सिटी बनने के बाद इनकी मिट्टी का उपयोग वहाँ होगा और इनके नाम भी फिल्म सिटी के जो वहाँ के भवन होंगे उसमें लगाए जाएंगे और इनका इतिहास जो है बरकरार रहेगा। लोगों के मन में इनके प्रति जो श्रद्धा का भाव है वह आजीवन बना रहेगा। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।